अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा लेक्चर है, करेक्शन हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मेरे बच्चों, हमारे पास मैंने आपको ये सेंटेंसेस दिए थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 46 से लेके 60 तक, अगेन बेटा आपको 15 सेंटेंसेस दिए थे बनाने के लिए। अब जो बच्चा बाद में लेक्चर देखे तो काइंडली बेटा आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके इनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा अब मैं आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, सही। तो आप जो बच्चा बाद में वीडियो देख रहा है, काइंडली जरा बेटा आप लोग यहीं पे पॉज कर दिएगा। अब मेरे बच्चों, बेटा जो क्लास में मौजूद हैं, काइंडली बेटा आप लोग जरा अपने आंसर चेक कीजिए आप लोग। शी इज सीनियर देन मी। मेरे बच्चों, जब कभी आप सीनियोरिटी के बारे में बताते हो तो देन मी नहीं यूज करते, आप यूज करते हो टू। शी इज सीनियर टू मी। शी हैज़ अ हैबिट टू अराइव लेट, क्या होगा मेरे बच्चों? शी हैज़ अ हैबिट ऑफ अराइविंग लेट। शी इज लिसनिंग म्यूजिक, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ये तो खैर काफी आसान था। नमीज इज ब्लाइंड विद वन आई। मेरे बच्चों, जब आप आइज का जिक्र करते हो ना, कि वो एक आंख से अंधा है, तो मेरे बच्चों हम विद इस्तेमाल नहीं करते, हम फ्रॉम यूज करते हैं। रमीज इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। होली कुरान इज हिज फेवरेट होली बुक। तो मेरे बच्चों बेटा इसमें हमारे पास होली से पहले दा लगेगा, तो क्या बनेगा? दा होली कुरान इज हिज फेवरेट होली बुक। तो मेरे बच्चों बेटा मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। चेक कर लो बेटा आप लोग सारे के सारे आंसर में, मैं आगे से हटा रहा हूँ फिर मैं। चलो बेटा आगे शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास बेटा मेरे बच्चों अगले सेंटेंस है, ही आस्क्ड अ कॉफी। इसका क्या बनेगा? ही आस्क्ड फॉर अ कॉफी। जॉन हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बनेगा जॉन हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे बच्चों एक मिनट रुकना बेटा, ऐसा कॉल आ रही है, जरा मेरी एक मिनट रुको। असल नहीं चाहिए 3,000 रुपये भाई तुम लोगों के। खैर, When he entered the classroom, the lecture was already beginning. मेरे बच्चों इसका बनेगा When he entered the classroom, the lecture had already begun. क्योंकि पास परफेक्ट है, अगर ये गलत भी गया तो कोई मसला नहीं बेटा, क्योंकि अभी आई थिंक मेरा ख्याल है तुम लोगों ने पास परफेक्ट पढ़ना है, तो परेशान मत होना, सेट है। आगे है If Peter works hard, he would get distinction. तो क्या बनेगा? If Peter worked hard, he would get distinction exam. अब मेरे बच्चों बेटा ये जो है ना, ये सेकंड कंडीशनल है। ये भी अगर ये हमने अभी मतलब टेंसेस के बाद हम लोगों ने पढ़ना है, तो उसकी फिक्र मत करो। अगर गलती हो गई है अभी के लिए आंसर लिख लो, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है बेटा कुछ चीज़ें बीच में ऐड भी करता रहूंगा, ताकि ये ना हो कि सिंपल सिंपल ही आए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों की ग्रिप कितनी है। नेक्स्ट है दे टर्न अप विद फ्लाइंग कलर्स इफ दे प्रैक्टिस वेल। तो क्या लिखा हुआ है? दे वुड टर्न अप विद फ्लाइंग कलर्स इफ दे प्रैक्टिस वेल। अगेन 10 तक काउंट करो मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इफ ही टोल्ड देम अबाउट द रूट दे वुड नॉट हैव मिस योर वे। तो बनेगा इसमें हमारे पास मेरे बच्चों इफ दे हैड टोल्ड देम अबाउट द रूट सॉरी इफ ही हैड टोल्ड देम अबाउट द रूट दे वुड नॉट हैव मिस देयर वे। 57 है एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। इसका आंसर बनेगा बेटा एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। लास्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। तो मेरे बच्चों लास्ट ईयर मतलब कि पास इंडेफिनिट की बात की जा रही, तो बनेगा लास्ट ईयर आई वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे, ठीक है ना। अच्छा आई फिनिश द बुक यस्टरडे, इसका बनेगा अच्छा देखो ये आई मतलब बेसिकली आई हैड लिखा हुआ है, ठीक है ना, आई हैड ये। तो बेटा हमारे पास जो है ये पास इंडेफिनिट की बात हो रही है, क्योंकि ये बेटा यस्टरडे लगा हुआ है, प्रीवियस टाइम आ रहा है, ठीक। अच्छा पास परफेक्ट में क्यों नहीं बना रहे? कि मैं जैसे कि आप बोलेंगे सर चुका था आ रहा है, तो वो क्यों नहीं बनेगा बेटा? उसकी एक वजह है कि पास परफेक्ट के लिए कंपैरिजन आता है। कंपैरिजन क्या होता है? हमने इंशाल्लाह वो कल वही चीज़ पढ़नी है, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाओ। अभी का जो आप लोगों को आंसर लिखना है बेटा, वो क्या बनेगा कि आई फिनिश्ड द बुक यस्टरडे, आई सी यू व्हेन आई शैल कम बैक। अब ये मिस्टेक मेरे बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशनल है हमारे पास फर्स्ट, तो इसका बनेगा आई सी यू व्हेन आई कम बैक। तो बेटा मुझे बताओ कि इन 15 में से मेरे बच्चों आप लोगों के कितनी मिस्टेक्स आई हैं, काइंडली जरा मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले। नहीं बेटा सुमैया ऑफ वन आई नहीं होगा मेरा बच्चा, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का बेटा कोई सवाल है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं खुद अपना माइक ऑन करके, ठीक है। देखिए सुमैया ने एक चीज़ पूछी थी कि सर ऑफ वन आई नहीं होगा, नहीं मेरा बच्चा ऑफ वन आई नहीं होगा। और मुझे बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं, ऑल क्लियर क्या? नहीं बेटा सिमरन देखिए बेटा क्लियर है सर, दो मिस्टेक्स आई हैं, एक सेंटेंस 54 दिखा दें फिर से। अच्छा एक मिनट को बेटा ये देख लो जरा, अपने पास 54 वाले की बात कर रहे हो मेरे बच्चा, ये देख लो चेक कर लो, फिर जब समझ में आए तो बेटा मुझे बता देना। ऑल क्लियर
और सर 58। ओके बेटा ये देख लीजिए सर, इसमें ये नहीं होगा आई यूज्ड टू वॉक टू स्कूल एवरीडे। नहीं नहीं वो मसला नहीं है, आई वॉक टू स्कूल एवरीडे भी सही है। आई वॉक टू लास्ट ईयर मतलब कि मैं लास्ट ईयर वॉक टू स्कूल एवरीडे, आप जो बता रहे हो ना वो भी ठीक है, उसमें मसला नहीं है। आई यूज टू जैसे कि आप बोल रहे हो ना, यूज टू का स्ट्रक्चर मेरे को गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, उसमें मसला नहीं है कोई। समझिए बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक है तो मेरे बच्चों बेटा उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा कल आपके लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सही है, अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।